बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजाना का दस्तरखान। आज इसमें क्या बनने जा रहा है? आज बनेगा हमारे यहाँ वाइट दाल माश की। वैसे तो मसाला भून के बनाते हैं टमाटर डाल के, ये वाइट बनेगी फ्राई दाल माश की। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में जो है ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लिया। और इसके अंदर जो है हम प्याज वगैरह कुछ प्याज ब्राउन करेंगे, लेकिन हम वो निकाल लेंगे प्याज को। तो ये ऑयल ज़रा सा थोड़ा वो हो जाएगा गर्म, हम इसके अंदर प्याज डालते हैं। आप भी बना के देखिएगा वाइट दाल, बहुत आपको भी मज़े की लगेगी। मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें। तो बस यहाँ पे हम ये देखें, ये एक बस मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट सा ब्राउन करेंगे। ये देखें, ये हमारी प्याज तैयार हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। सारी प्याज को हम निकाल लेंगे और बाद में इसको हम गार्निशिंग करेंगे। बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी प्याज, हम बाहर निकाल के फिर इसके अंदर हम बाकी देख चीज़ें डालते हैं। तो बस ये कि मौसम भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, गला ख़राब, बुखार, सुस्ती, अजीब सी तबीयत को चल रही है सबकी। सारी देखें, मैंने इसमें से प्याज निकाल ली है। अब हम इसके अंदर ही डाल देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा एक टीस्पून और थोड़ा सा गरम मसाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पिसा हुआ भी ऐड करना है। तो बस इसे एक मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम इसको ज़रा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 2 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि माश की दाल ज़रा बादी होती है, इसमें ज़्यादा डालना चाहिए अदरक। इसको हल्का सा हम बस फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक को ज़रा ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है, वो मसाला भून के भी बनती है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और ये इस तरह से वाइट दाल होती है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो जिस स्टाइल से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं और वाइट वाली भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, तो कभी उसका दिल चाहता है वैसे बना लेते हैं, कभी इसका दिल चाहता है इस तरह बना लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हरी मिर्चें, क्योंकि लाल मिर्चें तो इसमें जाएंगी नहीं, तो मैंने हरी मिर्चें मोटी मोटी पीस ली थी, क्योंकि अगर हम काट के डालते तो फिर निवालों में आती मुँह में तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको पीस के डालेंगे। क्योंकि रेड मिर्चें तो हमने डालनी नहीं है, लाल मिर्च पाउडर। बस थोड़ा सा बस इसको भूनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा देखने में कलर लग रहा है, लाइट सा ग्रीन है, वाइट वाइट। रेड मिर्चें नहीं डली ना इसमें, टमाटर नहीं डलेंगे, ये इसके अंदर दही जाएगी, क्योंकि टमाटर नहीं डल रहे। ये आधी प्याली मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। बहुत ही मज़े की दाल बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती, मेरी वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए गोल मिर्च हम डाल देंगे इसके अंदर, कि अगर फिर भी किसी को मिर्च कम लगती है, दिल चाह रहा है, तो ये लाल मिर्च जो है गोल वाली, इसको हम तोड़ के खा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं पीस के, लेकिन अच्छी लगती है। ज़रा वाइट दाल होती है तो रेड रेड ये गोल मिर्च अच्छी लगती है देखने में। और बस आजकल हालात ऐसे ही चल रहे हैं तबीयतों के सबके, मौसम भी कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी लगने लगती है, अजीब ही सब कुछ मौसम चल रहा है मिक्स सा। तो ये देखिए हमारा ज़रा मसाला थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मसाला तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं भूनने वाली। तो बस हम इसके अंदर अब दाल ऐड कर देंगे बस। तो नमक डालने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक मिर्च में बार बार कहती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें,
ज़रूरी नहीं कि जितना मैं डालूँ उतना ही आप भी डालें। अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इससे कम खाते हैं तो कम। अगर इतने ही डालने चाहते हैं तो इतनी मिला, बाकी चीज़ें आप उतनी डालिएगा। लेकिन नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कभी मेरे हिसाब से डालें। आप लोग कम खाते हो तो फिर आप कहेंगे है इनकी रेसिपी तो मिर्चें बहुत होती हैं। तो ये कि हर एक का अपना टेस्ट होता है नमक मिर्च का। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल मैंने अच्छी तरह धो ली थी, 5 मिनट मैंने खाली इसको भिगोई थी, ज़्यादा नहीं भिगोई थी दाल को मैंने। जैसे दाल डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे चावल बनाते हैं ना कि खिले खिले, इस तरह से ये दाल को हम बनाएंगे। इतना पानी डालेंगे कि बस उसी में दम पे आ जाए। स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे कि बस हल्के हल्के ये गल भी जाए, पानी भी इसका खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, एक अलग सा लुक आ रहा है। और जब मसाला भूनते टमाटर लाल मिर्च पाउडर डाल के, वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसका अलग कलर अलग टेस्ट होता है, इसका अपना अलग स्टाइल है, टेस्ट में भी फ़र्क हो जाता है। लेकिन लगती दोनों बहुत अच्छे, वो भी बहुत मज़े की लगती है, ये इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। और बस मैं ये दाल चढ़ा रही थी तो मेरी नंद आ गई थी। हाँ, और आपको मैं ये भी बता दूँगी, मेरी बेटी के मैट्रिक का रिज़ल्ट आया माशाल्लाह से, उसने 1 ग्रेड लिया है मैट्रिक में। तो उसी की वजह से फ़ोन भी काफ़ी आ रहे, मुबारकी के लोग भी आ रहे हैं। इनके चाचा सुबह आ गए थे, चाचू इनके। अब मैं ये दाल बना ही रही थी, दम पे रखी थी, तो मेरी नंद आ गई थी, उनकी बेटियाँ आ गई थी इसकी मुबारकी के लिए। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह ताला हर पढ़ाई में जो 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 भी अपने मकसद में अल्लाह में उन सबको कामयाब करे। माँ बाप की मेहनत वसूल हो जाती है, बच्चों की मेहनत होती है, तो अल्लाह ताला सबको अपने मकसद में कामयाब करे। अभी दाल हमारी तकरीबन बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। और अभी देखें, हमने डिश आउट कर ली, दाल की हमारी ये लुक आई है। जो हमने ब्राउन प्याज निकाली थी वो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो ये दाल हमारी बहुत बेहतरीन बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें चाहें तो आप ऊपर से हरी मिर्ची हरा धनिया डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये वाइट है तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। अदरक ज़रा ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि मैंने पीस के बॉटल्स रख ली तो वो बची नहीं थी अदरक। और बहुत मज़े की बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों को इसी तरह आबाद रखे, अच्छी अच्छी नेमतों के साथ अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को रौनक दे। तो इसी के साथ बस मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगी, नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाज़िर होंगे। और आप लोग इसका अपना अपना से बहुत ख्याल रखिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।